उस स्कूल में जो सुबह सुबह प्रार्थना होती थी, उस प्रार्थना में हम लोग गाते थे, तू ही राम है, तू ही है, तू करीम है, तू सुधरा हुआ, तू माय है, तू कृष्ण मसीह, हर नाम है तू सुना हुआ, तू प्रार्थना सुनकर रह गए। हमने मंदिरों में वो गाना बजते हुए सुना है, जो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया, हम वो गाना हिंदुओं के मंदिरों में बसते हुए सुना है। मन पर भर दर्शन करवाया, बैठे बाबा का गाना है। जो टीवी का सबसे मशहूर सीरियल है, उस वक्त मेरी धुंधली सी याद है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, जरा रहा है हर नस्ल का रंग हर कौन भारत, वो डीडी वन वन सीरियल आता था महाभारत। उस महाभारत को एक मुसलमान ने, उस महाभारत की पटकथा को एक मुसलमान ने लिखा है, राम मसूम लिखा है। बचपन में जो राम जी के बारे में सबसे मशहूर गाना सुनते थे, राम जी की निकली सवारी, उसको एक मुसलमान ने अपना भजन गाया है। कभी अंदाजा नहीं था कि ये जो तिरंगा आप अपने हाथ में लेकर के लहरा रहे हैं, इसके डिजाइन जिस इंसान ने बनाया है, उस इंसान के लोगों को, उस इंसान के समुदाय को, उस इंसान के धर्म को मानने वाले लोगों को इस देश में पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाए। इस बात का अंदाजा नहीं था कि आजादी के आंदोलन में सबसे मशहूर उद्घोष जय हिंद, जिसको जैनुल आबदीन ने लिखा है, उसके परिवार वालों को सीए के दर्जा का करना नहीं जाए। इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी के सपनों के देश में गोडसे और जिन्ना की नीतियों को लागू किया जाएगा। इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों ने बापू को गद्दार बोलकर गोली मार दी, वो देश की गद्दी पर बैठ जाएंगे और बापू के मानने वाले लोगों पर फिर से गोली चलाने वाले बापू। इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस मंत्र से, जिस पंक्ति से बापू ने अंग्रेजों को हराया, जाता जा रहा पति बाबा सुनता रहा ईश्वर अल्लाह के नाम सब कुछ इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस देश में रहते हुए इस देश के नागरिकों को ही उनसे उनके देशभक्त होने का सबूत मांगा जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सबूत वो मांगे हैं जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की जासूसी की थी, अंग्रेजों की जासूसी की थी। इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस देश में रहते हुए हम अपने रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सड़क बिजली के काम में लगे रहते हैं। हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं कि सरकार आती नहीं रही, सरकार जाती नहीं रही। इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसी सरकार बनी थी जो संविधान को हटाना भी काम आ गया। इसीलिए आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश में हमारे बुजुर्ग की लड़ाई है। इस बात को याद रखिएगा, हमारे हिंदुस्तान में होने का जो मतलब है, उस मतलब को बचाने की लड़ाई है। यहाँ पर आज खड़े हैं तो ये मंच किसी इंसान को हीरो बनाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को एमपी लीडर बनाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि हर 5 साल में चुनाव हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, महिला हो या पुरुष हो, सबका वोट बड़ा हो होगा, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। जब हमको ये समझना पड़ेगा कि देश के भीतर इससे कौन सी परिस्थिति पैदा हो रही है कि वही चीज हमारे साथ दोहराया जा रहा है जो अंग्रेजों ने किया था। क्या क्या अंग्रेजों ने इस देश के लोगों को आपस में बांटने के लिए गाय का मांस फुटवाया मंदिरों में, सुअर का मांस फुटवाया मस्जिदों में, और हिंदुस्तान के लोग जब आपस में धर्म करने में लड़ते थे तो वो डंडा में बैठ करके चर्चा करते थे। ऐसी कौन सी
कि जो दर्द हमने झेला है, जो बंटवारा इस देश में धन और मन का हुआ है, वैसी भाषा एक बार फिर से इस देश में बोली जा रही है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को यह आगाह करने के लिए आया हूँ, ये लड़ाई एक कौम को बचाने के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। हमको ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि जब खेत नंबर सीमा पर सही हो रहा है जवान, तो दिन रात टीवी में क्यों होता है हिंदू और मुसलमान इस कारण को हमको समझाना पड़ेगा। बात यह है कि इस देश की 70% धन 100 में 70% 67 लोगों के पास मात्र 67 लोगों के पास इस देश का 70% संपत्ति